प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है डिजिटल पाठशाला में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये जो भी केबल्स हमने स्टडी की थी, ये थी बाउंडेड मीडिया की टाइप्स, यानी कि वायर्ड मीडिया, या इसको हम गाइडेड मीडिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो गाइडेड मीडिया की हमारी सारी टाइप्स हो गई थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 को शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज अनबाउंडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, और इसको हम वायरलेस मीडिया भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये तीन तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अनबाउंडेड मीडिया, या फिर अनगाइडेड मीडिया, या फिर वायरलेस मीडिया क्या है, ठीक है। अनबाउंडेड इज ए वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया वेयर सिग्नल्स ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओवर द एयर एंड इन सम केसेस थ्रू वाटर, ठीक है। अनबाउंडेड इज ए वायरलेस कम्युनिकेशन। अनबाउंडेड क्या है? एक बिना तारों वाला संचार का माध्यम है, वेयर सिग्नल्स ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे सिग्नल्स की ट्रांसपोर्ट होते हैं, सिग्नल्स को भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रो यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, ओवर द एयर हवा के ऊपर, एंड इन सम केसेस थ्रू वाटर, और कुछ एक केसेस में पानी के जरिए भी। पानी के जरिए भी देखा होगा आपने ना, सबमरीन चलती है पानी के अंदर, तो उनमें भी तो संचार कम्युनिकेशन तो होता है। बात करते हैं वायरलेस मीडिया पे, तो वहां पे भी सारी की सारी जो भी सिग्नल्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है, वो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर होती है, ठीक है। बाय एयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैन फ्लो इजिली। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, वो हवा के ऊपर आसानी से फ्लो करती है, आसानी से चलती है, आसानी से ट्रेवल करती है, ठीक है, जबकि पानी के केस में थोड़ा स्लो होती है, ठीक है। सम मेथड्स आर अनबाउंडेड मीडिया के, कुछ एक जो मेथड है वो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है रेडियो वेव, सेकेंड माइक्रोवेव, थर्ड सैटेलाइट है, फोर्थ ब्लूटूथ है, फिफ्थ इंफ्रारेड है, सिक्स्थ वाईफाई और सेवन्थ वाईमैक्स, ठीक है। तो फर्स्ट से शुरू करते हैं कि रेडियो वेव क्या है। रेडियो वेव कम्युनिकेशन, रेडियो वेव्स कैन ट्रेवल इन ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। अब ये जो रेडियो वेव्स होती हैं, एक बहुत लंबे डिस्टेंस के ऊपर आसानी से ट्रेवल कर सकती हैं, एंड कैन कैरी सिग्नल्स इन ऑल डायरेक्शंस, और सिग्नल्स को कैरी करती है सारी ही डायरेक्शंस में, ठीक है, चारों डायरेक्शंस में। अब ये आपने देखा भी होगा ना, कभी कभी टीवीज में या मूवीज जो भी आती है, मूवीज हॉलीवुड मूवीज, उनमें दिखाते हैं इस तरह की वेव्स, है ना, रेडियो वेव्स। तो ये रेडियो वेव्स का जो रूप है वो इस तरह का है, इस तरह की फॉर्म है रेडियो वेव्स की, ठीक है। अब सेकंड है हमारा माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स टू ट्रांसमिट डाटा एंड कैन ऑल्सो ट्रेवल इन ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस एंड कैरी सिग्नल्स इन ऑल डायरेक्शंस बट इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब ये जो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन है, माइक्रोवेव ये नीचे आप देख रहे हैं ना, ये जो हम सेलुलर फोन्स पे सिग्नल्स रिसीव करते हैं, लैपटॉप पे सिग्नल्स रिसीव करते हैं, नेट वगैरह जो यूज करते हैं ना, ये सारे के सारे माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब माइक्रोवेव कम्युनिकेशन यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स। अब ये जो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन है, ये भी रेडियो ही सिग्नल्स को यूज करता है टू ट्रांसमिट डाटा, डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, एंड कैन ऑल्सो ट्रेवल इन ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, और ये एक बहुत लंबे डिस्टेंस के ऊपर, एक लंबी दूरी के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं, एंड कैन कैरी सिग्नल्स इन ऑल डायरेक्शन, और जो सिग्नल्स हैं उनको सारे ही डायरेक्शंस में ये कैरी करता है, बट इन ए स्ट्रेट लाइन, परंतु एक सीधी लाइन में, ठीक है। इट कैन नॉट बैंड व्हेन इट पासिस ऑब्स्टेकल्स लाइक हिल, इट कैन नॉट बैंड, ये टेढ़ी नहीं होती है, व्हेन इट पासिस ऑब्स्टेकल, जब ये जो ऑब्स्टेकल्स होती हैं, जैसे पहाड़ियाँ वगैरह आ जाती हैं बीच में ना, लाइक हिल, जैसे ऑब्स्टेकल्स उनको बोल रहे हैं, अड़चन आ जाती हैं, पहाड़ियाँ आ जाती हैं बीच में, तो ये बैंड नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ना, ये टावर्स हैं सीधे, इस तरह से रेडियो वेव्स को रिसीव कर रहे हैं, लैपटॉप हो गए, सेलुलर फोन्स हो गए, या हमारे डेस्कटॉप हो गए, जो भी हमारी मोबाइल डिवाइसेस हैं, ठीक है। अब ये इस तरह से अगर कोई पहाड़ी आ जाती है बीच में, तो ये ब्लॉक हो जाती है, ये इस तरह से नहीं कि बैंड हुई इस तरह से और पहाड़ी को क्रॉस किया उस तरह से आगे चलेगी, ठीक है। अगर पहाड़ी की जो हाइट है इतनी होगी, ऊपर होगी, टावर्स बिल्कुल ही हायर हो जाएगा, तो ये जो रेडियो वेव्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है।
अब थर्ड पे आता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब देखो ये जो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन है, इसमें ऐसा है कि पहाड़ियां आ जाती है ना बीच में, तो कम्युनिकेशन जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है, फिर फेल हो जाता है कम्युनिकेशन। तो इस करके हम यूज करते हैं फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। द मेन प्रॉब्लम ऑफ माइक्रोवेव कम्युनिकेशन इज दैट इट ऑफन ब्लॉक बाई ऑब्स्टेकल्स लाइक हिल्स इन अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। अब जो मेन जो प्रॉब्लम है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन की वो ये है कि इट ऑफन ब्लॉक, ये ज्यादातर ब्लॉक हो जाती है बाई ऑब्स्टेकल्स, जो भी अड़चन होती है जैसे पहाड़ियां जाती हैं बीच में, इनसे ब्लॉक हो जाता है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन इन ए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, एक लंबे डिस्टेंस की ट्रांसमिशन के ऊपर। सेटेलाइट कम्युनिकेशन इज एन इफेक्टिव वे टू ओवरकम ऑन दिस प्रॉब्लम। अब ये जो सेटेलाइट कम्युनिकेशन है एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका, एक रास्ता है टू ओवरकम ऑन दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के ऊपर काबू पाने के लिए। ठीक है, इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन अ माइक्रोवेव स्टेशन इज प्लेस्ड इन द ऑर्डर ऑफ स्पेस। अब ये जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है इसमें एक माइक्रोवेव स्टेशन को प्लेस किया होता है इन द ऑर्डर ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष में बाहर। ठीक है, जैसे आप टीवी में भी देखते होंगे, है ना, देखिए ना अपने सैटेलाइट्स मूव करती रहती हैं, तो ये सारी की सारी सैटेलाइट्स होती हैं वो आउटर स्पेस में, यानी स्पेस में कहीं बाहर, इनकी हमारी पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर प्लेस की होती है। These satellites are launched by rockets. अभी इन satellites को हम भेजते हैं rockets के जरिए और by spaces shuttles, जो space की जो shuttles होती हैं उनके जरिए, can be positioned on 36,000 किलोमीटर से above. ठीक है, और इनको place कर दिया जाता है हमारी अर्थ से 36,000 किलोमीटर के ऊपर space में। ठीक है, तो ये होती है हमारी satellite communication. अभी satellites होती हैं वो देखने में कुछ इस तरह की होती हैं। ठीक है, अब नीचे या पृथ्वी पे हमारी जो अर्थ है उस पे जितने भी हमारी कंपनीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पे भी हम कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, वो सिग्नल्स फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए इस तरह से रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, अब पहाड़ियाँ आ जाएंगी बीच में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन से हमें सिग्नल रिसीविंग होती रहती है आराम से। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ की, फोर्थ पॉइंट हमारा ब्लूटूथ। ठीक है, ब्लूटूथ के बारे में तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर ले रहे हैं, ब्लूटूथ कीबोर्ड, अब तो वायरलेस चल रहे हैं, कीबोर्ड माउस आ रहे हैं ना, वो वाईफाई वाले आ रहे हैं, ब्लूटूथ की जो रेंज होती है वो कम होती है, लेकिन ब्लूटूथ वाले जो स्पीकर वो वैसे ही यूज हो रहे हैं। ठीक है, ब्लूटूथ की अपनी जगह पे वैल्यू है। ठीक है, ब्लूटूथ इज ए वायरलेस टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ भी क्या है, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है which is designed to connect devices, जिसे डिजाइन किया हुआ है devices को, यानी कि उपकरणों को कनेक्ट करने के लिए ऑफ डिफरेंट functions, तरह तरह के functions के लिए, जैसे such as मोबाइल फ़ोन हो गए, नोटबुक कंप्यूटर्स हो गए, कंप्यूटर प्रिंटर्स हो गए, इन सभी में ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है डाटा ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, बाई यूजिंग ब्लूटूथ डिवाइस वी कैन ट्रांसफर डाटा, बाई यूजिंग ब्लूटूथ डिवाइस आप ब्लूटूथ उपकरणों का इस्तेमाल करके डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन मोबाइल फ़ोन टू अनदर मोबाइल फ़ोन, from mobile phone to PC and PC to mobile phone, we can use wireless keyboard, mouse with PC, we can take print out wirelessly from printers by using Bluetooth, we can listen music wirelessly with speakers. ठीक है, हम स्पीकर से वायरलेसली गाने भी सुन रहे हैं, वो आपको पता ही है, आप सभी आप जो भी स्पीकर्स खरीदते हैं वो सारे के सारे वायरलेस खरीद रहे हैं ना, म्यूजिक सिस्टम ब्लूटूथ से कनेक्ट करो और सुनो, चाहे वो कार है, कार में लगा हुआ म्यूजिक सिस्टम है, या घर में रखे हुए हमारे होम थिएटर से है, होम म्यूजिक सिस्टम है। ठीक है, तो इन सब में जो यूज हो रहा है वो मेन इन कामों के लिए हम यूज कर रहे हैं, वैसे डाटा ट्रांसमिशन के लिए, एक फोन से दूसरे फोन में, एक फोन से पीसी में, पीसी से मोबाइल फोन में, या फिर कीबोर्ड माउस को कनेक्ट करना हो पीसी से, या फिर हमने प्रिंट आउट लेना हो प्रिंटर से वायरलेसली। ठीक है, ब्लूटूथ प्रोवाइड अ पर्सनल एरिया नेटवर्क, अब ये जो ब्लूटूथ से जो नेटवर्क बनता है उसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज पिकोनेट और स्मॉल नेट, जिसे पिकोनेट और स्मॉल नेट के नाम से भी जाना जाता है। अब एग्जाम में इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेते हैं कि वट इज पिकोनेट और स्मॉल नेट, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, तो ब्लूटूथ ही पिकोनेट है, पिकोनेट को ब्लूटूथ बोलते हैं, स्मॉल नेट यही होता है पिकोनेट ब्लूटूथ। ठीक है, इट कैरीज डाटा इन रेडियो फ्रिक्वेंसी, अब इसमें भी डाटा जो कैरी होता है वो रेडियो फ्रिक्वेंसीज में होता है, रेडियो आवृत्ति में होता है, एंड इट्स डाटा ट्रांसफर रेट इज 1 MB/s, अब इसका जो डाटा ट्रांसफर रेट है वो 1 MB है 1 सेकंड में अप टू 10 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, 10 मीटर के डिस्टेंस पे 1 सेकंड में 1 MB डाटा ट्रांसमिट होता है ब्लूटूथ के जरिए। ठीक है, तो ये हमारा ब्लूटूथ इस तरह से,
इसका जो सिंबल है वो अभी भी मोबाइल फोन में इस तरह से आता है, कंप्यूटर्स में भी इसी तरह से शो करता है, ठीक है, ब्लूटूथ। ठीक है, फोन से मोबाइल फोन में भी हम ट्रांसमिट करते हैं, मोबाइल फोन से हम लैपटॉप में भी कर सकते हैं, ठीक है, लैपटॉप में इनबिल्ट होना चाहिए ब्लूटूथ। ठीक है, प्रिंटर भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, माउस और कीबोर्ड ये भी ब्लूटूथ में आते हैं, और वाईफाई में भी अवेलेबल है। अब ज़्यादातर हम वाईफाई में यूज़ करते हैं माउस और कीबोर्ड को, लेकिन म्यूजिक सिस्टम हो गए उनमें हम ब्लूटूथ ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंफ्रारेड की। तो इंफ्रारेड बड़े टाइम पहले था, ठीक है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, अब इसकी जगह हमारी ब्लूटूथ और वाईफाई ने ले ली है। इंफ्रारेड वेव्स आर डायरेक्शनल वेव। अब ये जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं ये डायरेक्शनल वेव्स होती हैं, कि सीध में, डायरेक्शनल मतलब ये कि सीध में चलती हैं। इट मीन्स बोथ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर हैव टू बी एन अलाइनमेंट, यहाँ पे एन कर लेना, ठीक है। अब ये जो इंफ्रारेड वेव्स हैं वो डायरेक्शनल वेव्स होती हैं, ये एक ही सीध में ट्रांसमिट होती हैं, और इसमें जो ट्रांसमीटर और जो रिसीवर है वो दोनों एक ही अलाइनमेंट में होने चाहिए, ठीक है, एक ही सीध में होने चाहिए, अदरवाइज कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल, वरना कम्युनिकेशन जो है, वरना संचार जो है वो संभव नहीं हो पाएगा। जैसे नीचे है ना, यहाँ पे देखो, ये ट्रांसमीटर है मतलब भेजने वाला, ट्रांसमिट करने वाला, और रिसीवर जो रिसीव कर रहा है, ठीक है, दोनों अगर एक सीध में है तो इस तरह से डाटा ट्रांसमिशन हो जाएगा। अगर दोनों में जो डायरेक्शन है इस तरह से हुई, ज़्यादा आगे पीछे हुई डिवाइसेस ट्रांसमीटर और रिसीव करने वाला, तो डिस्टेंस जो है वो नहीं होगा, दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो नहीं होगा। इट ऑल्सो कैरी डाटा इन रेडियो फ्रिक्वेंसीज, ये भी जो डाटा कैरी करते हैं ये भी रेडियो फ्रिक्वेंसीज में ही डाटा को कैरी करती हैं, एंड इस डाटा ट्रांसफर रेट इज 4 MB/s, लेकिन इसका जो डाटा ट्रांसफर रेट है वो 4 MB/s में है, वो भी 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे इसका जो डाटा ट्रांसमिशन का जो रेट है, डाटा ट्रांसफर का जो रेट है वो 4 MB होता है 1 सेकेंड में, ठीक है। इंफ्रारेड कैन बी यूज इन लिमिटेड और शॉर्ट डिस्टेंस। अब ये जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं वो ये लिमिटेड और शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर ही यूज की जाती हैं, ठीक है, अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो इंफ्रारेड को हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। अब हमारा पॉइंट नंबर 6 है वाईफाई, यानी कि वायरलेस फाइडेलिटी, जो इस मॉडर्न टाइम की हमारी डिमांड है, ठीक है, जो हमारी इस जनरेशन में ज़्यादातर जो यूज किया जा रहा है वो वाईफाई है, ठीक है। वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फाइडेलिटी, विच इज ए वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट इनेबल कनेक्शन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस फॉर डाटा शेयरिंग पर्पस, ठीक है। तो वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फाइडेलिटी, विच इज ए वायरलेस टेक्नोलॉजी, जो कि एक वायरलेस तकनीक है, दैट इनेबल कनेक्शन, जो कनेक्शन को इनेबल करती है बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस, दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के बीच में, फॉर डाटा शेयरिंग पर्पस, डाटा शेयरिंग के पर्पस के लिए, डाटा शेयरिंग के काम के लिए, ठीक है। मिलियंस ऑफ पीपल्स यूजिंग टुडे वेरियस डिवाइसेस, अब लाखों जो लोग हैं आजकल जो है वो तरह तरह की डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, सच एज लैपटॉप, कंप्यूटर, टैब्स, एंड्रॉयड फोन, विंडोज फोन, ठीक है। ऑल दीज डिवाइसेस कैन शेयर इंटरनेट कनेक्शन एट ए टाइम फ्रॉम वाईफाई डिवाइस, ठीक है। ऑल दीज डिवाइसेस, ये सारी की सारी डिवाइसेस जो हैं वो कैन शेयर इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन को शेयर कर सकती हैं एट ए टाइम, एक समय में ही, फ्रॉम वाईफाई डिवाइस, वाईफाई डिवाइस से एक ही समय में सारी की सारी डिवाइसेस इंटरनेट कनेक्शन को शेयर कर सकती हैं, ठीक है। बट रिमेंबर, इट प्रोटेक्ट द सिस्टम विद पासवर्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पज फ्रॉम इंटरनेट शेयरिंग, ठीक है। पर एक बात जो है ध्यान रखने वाली है कि इट प्रोटेक्ट द सिस्टम, ये हमारे जो सिस्टम होता है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है विद पासवर्ड के साथ, फॉर सिक्योरिटी पर्पज, सिक्योरिटी के पर्पज से फ्रॉम इंटरनेट शेयरिंग, इंटरनेट की शेयरिंग के लिए। वो आपको पता ही है, जब भी हमने अगर किसी दूसरे मोबाइल फोन से हॉटस्पॉट के जरिए अगर वाईफाई को शेयर करना हो तो उसके लिए हमने सिक्योरिटी की रखी होती है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो हमारा जो नेटवर्क है वो हैक भी हो सकता है, हमारा जो डाटा है वो भी चोरी हो सकता है, वो आप अच्छी तरह से समझते हो ना, यूज़ करते हो आप सभी। इट आल्सो ट्रांसफर डाटा ऑन रेडियो सिग्नल्स, ये सारा का सारा जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो भी रेडियो सिग्नल्स के ऊपर ही होता है, चाहे वो हमारा माइक्रोवेव है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, घर में एसी को हम रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं, जो डिशेज लगी हुई हैं,
ठीक है, उन सब में जो भी हमारे सिग्नल्स चलते हैं वो सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है, हमारी रेडियो वेव्स ही, ठीक है, इन सभी टेक्नोलॉजीज में रेडियो वेव्स ही यूज हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन सब में डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज हो रही हैं, सारी रेडियो वेव्स ही, ठीक है। अब देखो ये वाईफाई डिवाइस एक जगह पे लगा हुआ है, और मोबाइल फोन हो गए, लैपटॉप हो गए, पीसी डेस्कटॉप हो गए, वो सारे के सारे इंटरनेट को वाईफाई रूटर से शेयर कर रहे हैं, ठीक है, यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वाईफाई हॉटस्पॉट की, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। वाईफाई हॉटस्पॉट के बारे में आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, हर एक एंड्रॉयड फोन में अब वाईफाई हॉटस्पॉट की फैसिलिटी है। और वाईफाई हॉटस्पॉट हैज टू एक्सेस इंटरनेट कनेक्शन ऑफ अदर डिवाइसेस। अब ये जो वाईफाई हॉटस्पॉट है वो हमारी हेल्प करता है टू एक्सेस इंटरनेट कनेक्शन ऑफ अदर डिवाइसेस, जो दूसरी डिवाइसेस होती हैं उनके इंटरनेट कनेक्शन को एक्सेस करने में, उनके इंटरनेट कनेक्शन को यूज करने में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, इफ पर्सन हैव अ मोबाइल विद इंटरनेट कनेक्शन देन द अदर पर्सन हु हैव नो इंटरनेट कनेक्शन देन ही कैन यूज द इंटरनेट कनेक्शन ऑफ दैट पर्सन डिवाइस बाई यूजिंग वाईफाई हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी, ठीक है। उदाहरण के तौर पर, इफ पर्सन हैव अ मोबाइल विद इंटरनेट कनेक्शन, अगर कोई पर्सन है जिसके मोबाइल फोन में इंटरनेट कनेक्शन है, देन द अदर पर्सन, तो जो दूसरा पर्सन है हु हैव नो इंटरनेट कनेक्शन, जिसके मोबाइल फोन में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, देन ही कैन यूज द इंटरनेट कनेक्शन ऑफ दैट पर्सन, तो वो इंटरनेट कनेक्शन को यूज कर सकता है उस दूसरे पर्सन के जिसके मोबाइल फोन में इंटरनेट है, बाय यूजिंग वाईफाई हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी, बाय यूजिंग हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी के जरिए, ठीक है। तो हॉटस्पॉट के जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दूसरे फोन के इंटरनेट कनेक्शन को अपने मोबाइल फोन में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वाईमैक्स की, तो वाईमैक्स भी एक रेडियो मैग्नेटिक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या रेडियो वेव्स की ही टेक्नोलॉजी है, ठीक है। वाईमैक्स, इसकी रेंज थोड़ी ज्यादा है वाईमैक्स की, ठीक है। वाईमैक्स स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है, दैट प्रोवाइड वायरलेस ब्रॉडबैंड हाई स्पीड एक्सेस सिमिलर टू वाईफाई बट इन अ ग्रेटर डिस्टेंस एंड टावर्स लाइक सेलुलर नेटवर्क टावर्स, ठीक है। अब ये जो वाईमैक्स है, इसकी जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस है, दैट प्रोवाइड वायरलेस ब्रॉडबैंड, जो हमें वायरलेस ब्रॉडबैंड उपलब्ध करवाता है हाई स्पीड, एक हाई स्पीड के साथ एक्सेस सिमिलर टू वाईफाई, सेम वाईफाई की तरह ही इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वाईफाई की तरह, स्पीड ज्यादा है इसकी, मतलब कहने का मतलब, ठीक है, माइक्रोवेव से ज्यादा है इसकी स्पीड, बट इन अ ग्रेटर डिस्टेंस, एक बहुत ही बड़े डिस्टेंस के ऊपर, एंड टावर्स लाइक सेलुलर टावर नेटवर्क टावर्स, और इसके जो टावर्स हैं सेम जो हमारे सेलफोन के जो टावर्स हैं उनकी तरह ही देखने में होते हैं, ये देखो इस तरह के होते हैं इसके जो टावर्स हैं माइक्रोवेव के, सॉरी बाईमैक्स के, ठीक है, इसी तरह के होते हैं ये देखना टावर्स। ओनली वेदर और रेन कंडीशन कैन इंटरप्ट द वाईमैक्स सिग्नल, केवल जो मौसम और जो बारिश है वो ही इनके जो सिग्नल्स होते हैं वाईमैक्स के उनको इंटरप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड वायरलेस एक्सेस अप टू 50 किलोमीटर्स। अब ये जो हमें वायरलेस जो एक्सेसिबिलिटी उपलब्ध करवाती है वो 50 किलोमीटर तक, ठीक है। वाईमैक्स सिस्टम कंसिस्ट टू पार्ट्स, वाईमैक्स सिस्टम में दो पार्ट्स से बना हुआ होता है हमारे, ठीक है, पहले इसमें मैं करेक्शन कर देता हूँ, यहाँ पे टू पार्ट्स, एक वाईमैक्स टावर है सिमिलर टू ए सेल फोन टावर, इट कैन कवर 8,000 किलोमीटर एरिया, ठीक है। अब वाईमैक्स के जो टावर होते हैं वो सेम सेल फोन के टावर्स की तरह ही होते हैं, इट कैन कवर 8,000 स्क्वेयर किलोमीटर एरिया, और ये 8,000 का जो स्क्वेयर किलोमीटर का जो एरिया है उसको कवर कर सकता है, ठीक है। और सेकंड है इसका वाईमैक्स रिसीवर, और रिसीवर विच कुड बी प्लेस्ड इनटू ए लैपटॉप टुडे एंड कैन आल्सो बाय फ्रॉम द मार्केट। अब जो दूसरा इसका जो पार्ट है वो है इसका रिसीवर, जो जहाँ से हम रिसीव करेंगे, वाईमैक्स टावर हो गए, ठीक है। अब हमारे जो मोबाइल फोन है ना उनमें तो वाईमैक्स का रिसीवर नहीं है, लेकिन लैपटॉप्स आ रहे हैं मार्केट में, हम इसको एक्स्ट्रा भी खरीद सकते हैं। अब कुछ एक मोबाइल फोन आ भी रहे हैं मार्केट में, उनमें भी इनबिल्ट वाईमैक्स रिसीवर लगा हुआ है, ठीक है, और इसको हम बाय भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हैं डिवाइस के ऊपर, ठीक है।
ये है हमारे वाईमैक्स टावर्स, ठीक है, इनकी जो कैपेसिटी है लंबे डिस्टेंस के ऊपर 8,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, यानी कि 50 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस, उसको सारे डिस्टेंस को एक टावर कवर कर सकता है, ठीक है। अब इसकी कुछ एक डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ बायमैक्स। बैड वेदर कंडीशन और रेन कैन इंटरप्ट द सिग्नल्स। अब ये जो वेदर कंडीशंस है, यानी कि अगर मौसम खराब होगा या रेन वाला होगा, बारिश वाला होगा, तो सिग्नल्स इंटरप्ट हो सकते हैं, ठीक है, सिग्नल्स को ये बाधित कर सकते हैं। सेकेंड है वाईमैक्स इज ए पावर कंज्यूमिंग टेक्नोलॉजी। अब ये जो वाईमैक्स है ये एक पावर कंज्यूमिंग टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा बिजली को खर्च करते, ज़्यादा बिजली का उपभोग करता है, ठीक है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज वेरी हाई। अब इसको लगाना हो, इंस्टॉल करना हो, तो इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा आती है, माइक्रोवेव से ज़्यादा आती है, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे के सारे अनबाउंडेड मीडिया, ठीक है, आप सबको आई होप क्लियर हो गया होगा। आपने बार बार वीडियोज़ को देखना है, जो पॉइंट्स नहीं क्लियर हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो आता है, व्हाट इज डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन क्या है, डाटा का संचार क्या है। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट और फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या है, संचार एक ऐसी क्रिया है टू ट्रांसफर मैसेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मैसेज को ट्रांसफर करना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या एक पर्सन से दूसरे पर्सन, या ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, ठीक है। देर आर थ्री बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के तीन जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो हैं सेंडर, मीडियम और रिसीवर। अब सेंडर कौन होता है, ट्रांसमीटर को सेंडर बोलते हैं, ठीक है। अ सेंडर इज दैट हु क्रिएट द मैसेज। सेंडर वो होता है जो मैसेज को क्रिएट करता है, ठीक है। मीडियम यानी कि माध्यम, विच कैरीज द मैसेज, ठीक है। अब माध्यम वो होता है जो मैसेज को कैरी करता है, ठीक है। थर्ड है रिसीवर, विच रिसीव द मैसेज। अब थर्ड हमारा रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करता है, ठीक है। सेंडर हुआ भेजने वाला, मीडियम हुआ उसको ले जाने वाला, और रिसीवर हुआ उसको रिसीव करने वाला, यानी कि प्राप्त करने वाला, ठीक है। सेंडर यानी कि ट्रांसमीटर, और ये दूसरी तरफ आ गया हमारा रिसीवर, ठीक है। और बीच में जो हमारे सिग्नल्स कैरी हो रहे हैं वो एनालॉग फॉर्म के रूप में हो रहे हैं, ठीक है। अब ये जो एनालॉग फॉर्म है, इन डाटा कम्युनिकेशन सिग्नल्स मे बी इन इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो सिग्नल्स हैं, ठीक है, अब सेंडर से रिसीवर तक ये सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं केबल्स के जरिए, ये इलेक्ट्रिक करंट में होते हैं अगर केबल्स में पास होंगे, अगर रेडियो वेव्स में तो बाई एयर के ऊपर होंगे, यानी कि हवा के ऊपर, जैसे मोबाइल फोन से सिग्नल रिसीव कर रहे हैं, वो सारा का सारा एनालॉग फॉर्म जो है वो रेडियो वेव्स के ही रूप में है, लेकिन हवा के ऊपर है, मीडियम हवा है, ठीक है। ये सेंडर हो गया भेजने वाला, मीडियम ये हो गया सारे के सारे कैरी करने वाले, केबल्स के जरिए भी हो सकता है, हवा के जरिए हो सकता है, और कुछ एक केस में पानी के जरिए भी होता है, ठीक है। तो ये है हमारा सेंडर और रिसीवर, में जो एनालॉग फॉर्म का जो ट्रांसमिशन है, यानी कि डाटा का जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह से हो रहा है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर, डिफाइन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, ठीक है। द डाटा कैन बी एनालॉग और डिजिटल, ठीक है। डाटा जो होता है वो एनालॉग भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है। एनालॉग इसको बोल रहे हैं हम एनालॉग, ठीक है, ये जो बैकमैन है ये इस तरह से, जब इस फॉर्म में डाटा हमारा चलता है, हमारा जो डाटा ट्रांसमिट होता है ना कभी भी, वो होता है एनालॉग फॉर्म के रूप में, लेकिन जैसे ही ये हमारी रिसीवर के ऊपर पहुंच जाता है तो रिसीवर इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यही सारा का सारा प्रोसेस है इस क्वेश्चन में कि डिफाइन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं। द डाटा कैन बी एनालॉग और डिजिटल, डाटा जो है वो एनालॉग हो सकता है डिजिटल, ठीक है। एनालॉग डाटा सच एज, एनालॉग डाटा जैसे कि वॉइस और साउंड मेड बाई ह्यूमन बींग्स विच टेक कंटिन्यूस वैल्यूज, ठीक है। अब ये जो एनालॉग डाटा होता है, जैसे कि हमारी आवाज हो गई, या साउंड मेड बाई ह्यूमन बींग्स, या किसी न किसी मानव के द्वारा जो आवाज है उनके द्वारा जो आवाज क्रिएट की जाती है वो हो गई, विच टेक कंटिन्यूस वैल्यूज, जो एक कंटिन्यूस वैल्यूज को कैरी करती हैं। अब देखो ये जो वेव्स है ना, एक तरह से कंटिन्यूस वैल्यूज को ही कैरी कर रही है, कंटिन्यूस, ठीक है। डिजिटल फॉर्म में नहीं है ये, जीरो और वन में नहीं है, एक कंटिन्यूस फॉर्म में है, रफ फॉर्म में, रफ फॉर्म बोल सकते हैं इसको एक और, ठीक है। व्हेन समवन स्पीक, अब आगे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि व्हेन समवन स्पीक एन एनालॉग वेव क्रिएटेड इन द एयर और इन द इलेक्ट्रिसिटी करंट विच टेक वॉइस डाटा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और
फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन, ठीक है। जब कोई बोलता है तो एक एनालॉग वेव जो वेव है वो हवा में क्रिएट होती है, बनती है, या इन द इलेक्ट्रिसिटी करंट, या फिर इलेक्ट्रिसिटी करंट की वेव पैदा होती है वो केबल्स के अंदर, जैसे हम लैंडलाइन फोन के जरिए बात करते हैं ना, तो वो फॉर्म कहाँ पे क्रिएट होगी, वो इलेक्ट्रिसिटी वायर, यानी कि जो केबल्स है जिसमें डाटा की ट्रांसमिशन हो रही है ना, तो वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में, यानी कि वो है तो रेडियो वेव्स ही कैरी होगी, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी एक माध्यम है जिसके जरिए वो रेडियो वेव्स कैरी होंगी, विच टेक वॉइस डाटा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन। जो हमारे जो वॉइस डाटा है उसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन या फिर एक मशीन से दूसरी मशीन तक कैरी करेगी, ठीक है। ये होता है हमारा एनालॉग डाटा, ठीक है। एंड डिजिटल डाटा इज सिंपल जीरो एंड वन, और ये जो डिजिटल डाटा होता है वो सिंपल जीरो और वन होता है, ठीक है। When the data is transmitted through a network, the digital data converted into analog signal. When the data is transmitted through a network, जब भी डाटा को हम ट्रांसमिट करते हैं नेटवर्क के ऊपर, तो the digital data convert into analog signal. तो हमारा जो डिजिटल डाटा होता है वो एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाता है बाई ये मॉड्यूलेशन प्रोसेस ऑफ मॉडम, मॉडम की एक मॉड्यूलेशन प्रोसेस के जरिए, ठीक है। हमारा जब भी डाटा ट्रांसमिट होगा ना, जैसे हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं ना, तो वो डाटा ट्रांसमिट होता है एनालॉग फॉर्म में, ठीक है। अब इसको एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है हमारा मॉडम, ठीक है। मॉडम ही एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करता है और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करता है, ठीक है। एज वी बेटर नो दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली डिजिटल डाटा, सो अगेन दीज एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट इनटू डिजिटल सिग्नल बाय डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस ऑफ मॉडम। जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली डिजिटल डाटा, जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कंप्यूटर को कौन सा समझ आता है, डिजिटल डाटा ही समझ आता है, यानी कि जीरो और वन ही समझ आते हैं, तो अगेन, ठीक है, तो दोबारा दीज सिग्नल्स कन्वर्ट इनटू डिजिटल सिग्नल, तो दोबारा इन एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है हमारा मॉडल मॉडम, जिसे हम डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस बोलते हैं फिर, ठीक है। जब हमारे सिग्नल दोबारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीमॉड्यूलेशन। मॉडम स्टैंड फॉर एमओ, मॉडम में जो एमओ है वो स्टैंड करता है मॉड्यूलेटर, इनकी मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं, और डीईएम स्टैंड फॉर डीमॉड्यूलेशन, ठीक है, डीमॉड्यूलेटर भी बोलते हैं इसको, तो ये मॉडम की फुल फॉर्म, ठीक है। मॉड्यूलेटर, अ मॉड्यूलेटर कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन जो प्रोसेस होती है इसमें हमारे जो डिजिटल सिग्नल्स हैं वो एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। और डीमॉड्यूलेटर में, यानी कि डीमॉड्यूलेशन जो होती है वो डीमॉड्यूलेटर कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल सिग्नल्स। अब डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, दोबारा क्या करता है, वो एनालॉग सिग्नल्स को फिर डिजिटल सिग्नल्स में बदल देता है, ठीक है। अब देखो, जैसे हम मोबाइल फोन के ऊपर बात करते हैं ना एक दूसरे से, जैसे हम कॉल करते हैं ना, तो फोन का जो माइक है वो हमारी आवाज, जो हमारी आवाज है ना, वो हमारी आवाज चलेगी एनालॉग फॉर्म में, ठीक है, वो रिसीव करेगा मोबाइल फोन, ठीक है, फिर वो क्या करेगा, उसको डिजिटल में बदलेगा पहले, ठीक है। फिर जब उसने दूसरे को भेजनी है ना वो रेडियो वेव्स के जरिए, यानी कि दूसरा बंदा दूसरी जगह पे रिसीव करेगा उस कॉल को, तो जो हम फोन पे बात करेंगे हमारे फोन से वो जाएंगी सारी की सारी रेडियो वेव्स, ठीक है। तो हमारा फोन क्या करेगा, उन डिजिटल सिग्नल्स को दोबारा रेडियो इसमें एनालॉग वेव्स में कन्वर्ट करेगा और टावर्स पे भेज देगा। फिर टावर क्या करेगा, हमारा दोबारा उनको एनालॉग फॉर्म में ही हमारे पास भेजेगा, हमारे पास भी दूसरी साइड मोबाइल फोन ही होगा, तो मोबाइल फोन दोबारा क्या करेगा, उन एनालॉग सिग्नल्स को दोबारा डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। फिर हमारा जो स्पीकर है फिर दोबारा उन डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इतना लंबा प्रोसेस है जो इनविजिबल है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स का इस क्वेश्चन में हमें कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। डिफाइन द एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग का जो क्रमिक विकास है उसको डिफाइन करो। इंटरनेट इज ए ह्यूज नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। इंटरनेट क्या, एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है दैट कनेक्ट कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो संसार में सारे के सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। A network established during the 1960 in the defense industry of USA called ARPANET, ठीक है।
अब ये जो नेटवर्क था, जो पहला नेटवर्क इस्टेब्लिश हुआ था, अ नेटवर्क इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द 1960 1960 को इन द डिफेंस इंडस्ट्री ऑफ यूएसए, यूएसए की एक डिफेंस इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश हुआ था, जिसे हम आर्पानेट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। देयर आफ्टर उसके बाद एनएसएफ नेट, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क केम ड्यूरिंग द 1970, उसके बाद आई थी हमारी एनएसएफ नेट ड्यूरिंग द 1970 1970 को। फिर उसके बाद देयर आफ्टर एएनएस नेट, एडवांस नेटवर्क एंड सर्विसेज केम ड्यूरिंग द 1990s, उसके बाद एएनएस नेट आई थी 1990 के दौरान, एंड फाइनली इन 1995, उसके बाद 1995 को एओएल अबाउट एएनएस नेट, उसके बाद एओएल जो थी वो एएनएस नेट को लेके आई थी, ठीक है। यानी कि 1995 के बाद जो था हमारा इंटरनेट जो था वो फिर सारा का सारा सोशल हो गया था, पब्लिश हो गया था, यानी कि दुनिया के हर कोने में पहुंच गया था। 1995 को ही भारत में VSNL यानी कि विदेशी संचार निगम लिमिटेड इंटरनेट को लेके आया था। तो ये था हमारा एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट डे कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी था, कल फिर हम नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय माता।